हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त राम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मेरे पास कुछ लड़कों का फ़ोन आया था और साथ में मैसेज भी आया था कि सर हम लर्नर हैं और हमको शुरू से ड्यूल स्टार्टर के बारे में समझाइए, रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर के बारे में समझाइए, साथ में ही ड्यूल अपना स्टार डेल्टा और क्रेन के बारे में। तो मैंने सोचा चलो, मैं पहले ड्राइव पे वीडियो बना रहा था, अब एक दो वीडियो ये ड्यूल स्टार्टर रिवर्स फॉरवर्ड और क्रेन के ऊपर भी बना देता हूँ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ड्यूल स्टार्टर। एक्चुअली स्टार्टर में दो टाइप की वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग और दूसरा कंट्रोल वायरिंग। दोनों ही एक दूसरे से अलग होती है। कंट्रोल वायरिंग से पावर का कोई मतलब नहीं होता, पावर वायरिंग से कंट्रोल का मतलब नहीं होता। कंट्रोल वायरिंग के द्वारा ही हम सिस्टम को ऑपरेट करा सकते हैं और पावर वायरिंग के द्वारा ही मोटर को ऑन ऑफ होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्यूल स्टार्टर का स्टार्टर बनाने के लिए हमको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने हैं, मैं LNT का सामान यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि मेरे पास जो है MCC भी है LNT की, कॉन्टेक्टर है LNT का, रिले है जो कि रिले है MN5 जो जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक मोटर है। क्लियर? तो हम सबसे पहले पावर वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले मैंने एक MCC भी यूज करी है। आप MCB भी यूज कर सकते हैं, MPCB भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको जो मटेरियल यूज करना डिपेंड करता है कि आपकी मोटर की रेटिंग क्या है, उसी के हिसाब से हम मटेरियल को हैवी लगाएंगे। ऐसा नहीं हमारी मोटर जो है 60 एम्पियर ले रही है और हम कॉन्टेक्टर लगा लें 40 एम्पियर का, नहीं, गलत है ये। ठीक है, MCC भी सेम उसी के हिसाब से लगेगी, मतलब जो भी हमारा सिस्टम है उससे हम 2 गुना 2.5 गुना एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। सपोज माना कि अगर मोटर का करंट 20 एम्पियर है तो हम 50 एम्पियर का सिस्टम लगाएंगे उसमें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारी RYB सप्लाई जो मैंने मेंशन नहीं करी ऊपर, तो उसके लिए सॉरी, RYB सप्लाई यहाँ आएगी हमारी। उसके बाद जैसे ही MCCB के आउटपुट से हमारी सप्लाई RYB, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉन्टेक्टर को जाएगा। क्लियर? कॉन्टेक्टर के आउटपुट से RYB जो हमारा जाएगा रिले को जाएगा, और रिले से सीधे निकल के मोटर को जाएगा। ये होता है पावर वायरिंग, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग के लिए देखेंगे, एक कंट्रोल MCB यूज करेंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये कंट्रोल MCB है। अब ये कंट्रोल MCB आप 2 पोल की भी यूज कर सकते हैं, सिंगल पोल की भी यूज कर सकते हैं। सिंगल पोल की अगर यूज करते हो, न्यूट्रल को आपको डायरेक्टली लेना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है उसमें भी। और आप न्यूट्रल फेज भी ले सकते हो, और इससे भी बेटर होता है कि अगर आप किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई लेते हैं। सपोज माना एक हमारे पास ट्रांसफार्मर एक पैनल है, पैनल में हम 440 इनपुट, हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 440 है और आउटपुट 230 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास कॉन्टेक्टर होगा या जो इंडिकेशन होगी, अगर 110 के हैं तो 110 भी आप कंट्रोल सप्लाई यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास 220 के हैं तो 220 भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो हम कंट्रोल सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जैसे कि MCB लिया 2 पोल की। अब 2 पोल में हम सबसे पहले हमारा जो न्यूट्रल है, ये तो देखिए आप, न्यूट्रल को तो हमने कॉमन कर दिया है, ये यहाँ से हमारा न्यूट्रल निकला है, सबसे पहले कॉन्टेक्टर के एक क्वाइल में गया है। क्लियर? और फिर वही हमने इधर से ले लिया, इधर लेके, और 3 जो इंडिकेशन है R, Y, Green। अब जो R इंडिकेशन है वो हमारा ऑफ का इंडिकेशन है, अगर मोटर हमारी ऑफ रहेगी तो R रेड कलर का इंडिकेशन ग्लो होगा, अगर हमारे मोटर ऑन होगी तो हमारा इंडिकेशन ग्रीन कलर का ग्लो होगा, और अगर हमारी मोटर किसी कारण से ट्रिप हो गई, ओवर करंट से या शॉर्ट सर्किट से या जो भी है, हमारी जो रिले के ऊपर लोड आया, करंट ज़्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ट्रिपिंग करा देगा, तो हमारा ये येलो कलर का इंडिकेशन चालू हो जाएगा, येलो प्लस ऑफ का इंडिकेशन मतलब रेड, क्योंकि मोटर बंद भी हो गई और ट्रिप भी है, तो दोनों इंडिकेशन एक साथ आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कंट्रोल सप्लाई के बारे में। तो हमने सबसे पहले आर फेस लिया यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आर फेस। अब आर फेस लेने के बाद हम इसको कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं थोड़ा
बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये आर फेस है हमारा। आर फेस हमने लेके सबसे पहले लिया है हमने रिले के एन सी में, जो ओवरलोड रिले है उसमें हम लेंगे सप्लाई। तो आर फेस जो जाएगा सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, रिले के एन सी में। रिले के एन सी में जो पॉइंट है 95 में जाएगा और 96 से आउट हो जाएगा। तो ये एन सी पॉइंट है। तो नाइन जब ये ट्रिप होगा तो ये एन सी पॉइंट क्या होगा, एनओ बन जाएगा, तो मोटर ट्रिप हो जाएगी। क्लियर। तो जो 95 में हमारी सप्लाई गई है, 95 से सप्लाई निकलने के बाद हमारा जाएगा ऑफ पुश बटन में सप्लाई, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। एक नंबर ये हमारा आ रहा है, एक नंबर हमने दिया है और सीधे एक नंबर देखेंगे आप दो नंबर बन के कहाँ पर आया है, यहाँ पर, किस पे, ऑफ पुश बटन के पॉइंट पे। तो ऑफ पुश बटन के एक पॉइंट पे ये जो आया है और दूसरे पॉइंट से तीन नंबर बन के निकला है। तो तीन नंबर जब निकला है तो तीन नंबर दो जगह जा रहा है, एक तो ऑन पुश बटन के पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनओ एलिमेंट, और ये जो है आपका ये एनसी एलिमेंट है, जहाँ कनेक्शन होते हैं जो होता है उसको, इसको बोलते हैं पुश बटन, और ये जो है हमारा एलिमेंट है, ये एनसी एलिमेंट है और ये एनओ एलिमेंट है। जिस जब हम चालू करते हैं जो एनओ रहता है हमारा वो हमेशा ऑन के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो यह हमारा एनसी एलिमेंट में, एनओ एलिमेंट में सप्लाई गई, और यहाँ से जब एनओ, जब हम इसको पुश करेंगे किसको, ये हमारा एनसी है तो सप्लाई तो हमारी आउट हो जाएगी। तो हम जब ग्रीन पुश बटन को जब पुश करेंगे तो सप्लाई हमारी फोर नंबर बन के निकलेगी और सीधे कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में। ये आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल में गई है, जैसा कि हमने न्यूट्रल तो डायरेक्ट कर ही दिया है, तो जो हमारी रेड सप्लाई कहाँ गई है, ये आर फेस हमारे कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल में, और कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल से हमने एक लूप बना के निकाला है, ये दिख रहा है आपको, ये लूप बना, ये लूप जो है ये कॉन्ट्रेक्टर का एनओ है। किसका, ये कॉन्ट्रेक्टर का एनओ है। अभी देखेंगे आप जब कॉन्ट्रेक्टर का एनओ है ये, तो जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ, तो इस कॉन्ट्रेक्टर का जो एनओ है एनसी बन गया। तो जब हमारा एनसी बन जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा सप्लाई, तो सप्लाई हमारी वापस यहाँ से इधर चली जाएगी, तब यहाँ से जाने लगेगी सप्लाई, तो ये हो गया होल्डिंग सिस्टम। अगर इस लीड को हम निकाल देते हैं किसी कारण से, तो ये मोटर जो हमारी इंचिंग में हो जाएगी, और जब तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तभी तक मोटर ऑन रहेगी, और जैसे छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इंचिंग कनेक्शन, और अगर हम इसको लगा देते हैं, इसको बोलते हैं होल्डिंग वायर, तो मोटर को एक बार दबाएंगे और मोटर होल्ड हो जाएगी और मोटर रन हो जाएगी हमारी। क्लियर। ये तो हमारा हो गया होल्डिंग सिस्टम, जैसा कि आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये हमारा हो गया होल्डिंग सिस्टम। अब इसके बाद ये देखेंगे आर फेस को हमने लिया यहीं से, एक लूप बना के दूसरा तार निकाला आर फेस से, ये देखेंगे आप यहाँ पर ये तीन जगह गया है। ये है रिले का, सॉरी ये जो है हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर का एनसी है। कॉन्ट्रेक्टर का एनसी बंद कंडीशन में जब कॉन्ट्रेक्टर का एनसी रहेगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई जो है ये एनसी रहेगा, कॉन्ट्रेक्टर का जब एनसी रहेगा सप्लाई हमारी यहाँ से पास हो जाएगी। पास होने के बाद हमारा रेड इंडिकेशन जो कि हमारा ऑफ का शो करता है कि ऑफ है हमारी मोटर, तो उसको शो करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑफ रहेगा तो यहाँ पर सप्लाई सीधे पास होकर इस इंडिकेट को ऑन कर देगी, तो हमारे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी मोटर ऑफ है, राइट। जब हम मोटर को ऑन करेंगे, जैसे ग्रीन पुश बटन, जैसा कि हम बताया मैंने आपको ये वाला पुश बटन हम ऑन करेंगे, तो ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा तो इसको एनओ क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, और एनसी एनओ बन जाएगा। अगर एनओ एनसी बना तो ये एनओ क्या है, एनसी है, एनओ एनसी बन गया। जब एनओ एनसी बन गया तो ये जुड़ जाएगी सप्लाई यहाँ पर, जब यहाँ सप्लाई जुड़ेगी तो ये हमारा ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। क्लियर। तो हमारी मोटर ऑन हो गई। क्लियर हुआ। अभी उसी समय पर जब हमारा ये एनओ एनसी बनेगा, एनसी एनओ बन जाएगा, तो एनसी जो है क्या बनेगा, एनओ बन जाएगा। तो ये एनसी क्या बन गया, एनओ बन गया। जब एनओ बना तो क्या हुआ, यहाँ सप्लाई जाना पास होना बंद हो गई, तो हमारा ये बंद हो जाएगा। तो हमारा केवल चालू क्या रहेगा, हमारा सिंपल और सिंपल ग्रीन कलर का। क्लियर। तो हमारी मोटर ऑन को इंडिकेट करता है ये, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा तीसरा जो नंबर है ये है हमारा येलो, ये जो है हमारा ट्रिपिंग का, अगर मोटर ट्रिप होती है तो, अगर मोटर सिंगल फेसिंग मोटर के ऊपर लोड गया तो क्या होगा, ट्रिप होगा। ट्रिप होने के बाद क्या होगा, ये वाला इंडिकेशन चलेगा। अभी ये इंडिकेशन कैसे चलेगा, इस जो 95 है, 95 या 97, 98 से हम लेंगे तो 90 से यहाँ से जो सप्लाई है 98 में 7 में चल जाएगा, और 97 में जाने के बाद ये आउट, ये जो एनओ है ये 98 है, 98 में सप्लाई जाएगा, तो यहाँ से सीधे कनेक्शन कहाँ जाएगा, अपने येलो कलर के इंडिकेशन पे। जब मोटर ट्रिप होगी तो इसका भी क्या कहते हैं, एनओ एनसी बन जाएगा। एनओ जब एनसी बनेगा तो हमारा ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ये ऑन होगा तो उस समय पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर तो ऑफ हो जाएगा क्योंकि चालू नहीं होगा, सप्लाई आउट ही नहीं होगी ना। ये हमारा एनओ बन गया, यहाँ पहले एनसी था हमारा, तो अब एनओ बन गया तो यहाँ सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। सब सप्लाई जाना बंद हो जाएगा तो हम पुश बटन दबाएंगे भी तो ऑन नहीं होगा क्योंकि हमारी सप्लाई नहीं है वहाँ पर कंट्रोल सप्लाई। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ सप्लाई जाना बंद हो गया। जब ये एनओ जो है अपना एनसी जो है एनओ बन गया और यहाँ वाला जो अंदर का जो एनओ था वो एनसी बना तो यहाँ सप्लाई आ गई। जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा फिर चालू नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो गया तो हमारा वापस ये जो इंडिकेटर है हमारा ये एनसी हो जाएगा। जब ये एनसी हो जाएगा तो हमारा इंडिकेशन ये भी चालू हो जाएगा। तो उस समय हमारा दो इंडिकेशन चालू होंगे, कौन से, एक रेड कलर का जो कि हमारी मोटर को ऑफ को शो करता है और दूसरा हमारा येलो कलर का जो कि हमारी मोटर को ट्रिप के लिए शो करता है। तो इस तरीके से ड्यूल स्टार्टर बनता है दोस्तों। और इसमें जैसा कि आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक पावर कनेक्शन और एक कंट्रोल वायरिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, मोटर चालू नहीं हो रही, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारी यहाँ सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। अगर यहाँ पर हमारा फेस आता है तो उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी ये जो मोटर है कौन सी, ये वाली, यहाँ सॉरी ये वाली जो सप्लाई है यहाँ रिले से आउटपुट हो रही कि नहीं हो रही। अगर रिले से भी आउटपुट होती है तो एनसी पुश बटन से आउटपुट हो रही कि नहीं हो रही, हो सकता है एनसी जो एलिमेंट है वो ख़राब हो गया होगा। अगर उससे भी क्या कहते हैं आउटपुट हो रही है तो हमारा एनओ पुश बटन ने देखने का कि एनओ पुश बटन हम जब पुश कर रहे हैं तो ये एनओ जो है वापस क्या कहते हैं जो हमारा जो सप्लाई को आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर दबाने के बाद सप्लाई आ रही है, यहाँ पर सप्लाई आ रही है, तो फिर 100% कॉन्ट्रैक्टर की क्वाइल जाने के चांस होते हैं। क्लियर, ये तो हो गया हमारी कंट्रोल सप्लाई की प्रॉब्लम। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर, इसमें दो सबसे मेन फॉल्ट, अगर दो चीज़ें, अगर हम कंट्रोल मोटर को ऑन कर रहे हैं, सबसे पहले अगर कोई ब्रेकडाउन आता है, फॉल्ट आता है इसमें या ब्रेकडाउन आता है इसके कारण, तो पहले हम ये चेक करेंगे ये फॉल्ट जो है किसका है, कंट्रोल वायरिंग का है या पावर वायरिंग का, सबसे पहला काम। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट वहाँ से जो भी पुश बटन दबाएगा हमको ये देखना है कि पुश बटन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो ये कंट्रोल सप्लाइंग का प्रॉब्लम है। क्लियर, ठीक है। अगर मोटर ऑन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है, मोटर नहीं चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है लेकिन मोटर नहीं चल रही, तो अगर मोटर नहीं चल रही तो ये समझिए कि ये पावर सप्लाई का दिक्कत है, कहीं ना कहीं सिंगल फेसिंग हो रहा है या रिले खराब हो गई है या मोटर खराब हो गई है। क्लियर, तो ये सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कंट्रोल सप्लाई है या पावर सप्लाई। आशा करता हूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको, जैसा कि आपका कमेंट आएगा मैं वैसे आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।